कहां पीएम मोदी एनडीए के कुनबे के लिए 400 पार का नारा दे रहे थे और कहां आप 300 पार करने में भी पसीने छूट रहे हैं। ये क्या से क्या हो गया देखते ही देखते, लेकिन आज जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी को सोचने के लिए मजबूर करने वाले हैं। कहां कमी रह गई ये मंथन का विषय है, लेकिन जिन राज्यों के बल पर बीजेपी के नेता 400 पार की हुंकार भर रहे थे उनमें से सबसे भरोसे वाले राज्यों में ही पार्टी मुंह केवल गिरी है। एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बड़े राज्यों में बीजेपी को इस तरह के नतीजों की उम्मीद तो कतई नहीं थी। चुनाव से पहले जनता किसे वोट करेगी इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, हकीकत का सामना तो रिजल्ट के दिन ही होता है। और ये जो नतीजे आए हैं उन्होंने तो एग्जिट पोल के आंकड़ों को एकदम से झूठा साबित कर दिया। अब बीजेपी में लंबे समय तक चुनाव के नतीजों को लेकर मंथन का दौर चलेगा, वजह भी सामने आएंगी, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ही साथ नहीं मिला। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। बीजेपी को सबसे ज्यादा बेहतरीन परिणाम की उम्मीद पश्चिम बंगाल से थी, लेकिन एक बार फिर से ममता बनर्जी का जादू बीजेपी पर भारी पड़ गया। यानी यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के साथ बड़ा खेला हो गया, जबकि साल 2019 के चुनाव में इन राज्यों में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा था, बेहतरीन प्रदर्शन था। बीजेपी को उम्मीद थी कि इन राज्यों से इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटें खाते में आएंगी उनके, लेकिन जैसा झटका लगा कि ज्यादा की तो बात छोड़िए, पिछले चुनाव से भी कम सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। इन 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन की वजह से बीजेपी अब खुद बहुमत से काफी दूर हो गई है। 2019 के चुनाव में बीजेपी को कुल 302 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 250 भी पार करना मुश्किल हो रहा है। रुझानों के मुताबिक तो बीजेपी 240 के आसपास सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी 2019 के मुकाबले बीजेपी को करीब 60 सीटों का नुकसान हुआ है, जबकि चुनाव के पहले पीएम मोदी और उनके तमाम नेता 400 पार का नारा दे रहे थे। लेकिन अब एनडीए को 300 के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, वो घिसट रही है, और इसकी पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं एनडीए का ये कुनबा 300 के नीचे ही ना रह जाए। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को उत्तर प्रदेश से लगा, जहां 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को आधी सीट मिलती हुई भी नहीं दिख रही है, जबकि पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी को यूपी में 62 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और अब की बार बीजेपी 40 से भी कम सीटों पर ही सिमट गई है। इस तरह यूपी में बीजेपी को कम से कम 25 सीटों का नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2019 में 18 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 11 पर ही सुई अटकती हुई दिख रही है, जबकि यहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाले नतीजों की बात कर रहे थे। वहीं राजस्थान में बीजेपी अलायंस को 2019 से सभी 25 सीटों पर जहां जीत मिली थी, लेकिन अब इस चुनाव में केवल 14 ही सीट हासिल हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान हो रहा है, जबकि शिवसेना उद्धव गुट को फायदा होता दिख रहा है। We'll be right back.